यह जरूरी नहीं कि सत्ता पक्ष जो कहे वो ब्रह्म वाक्य हो और विपक्ष जो कहे सब झूठ हो। यह भी जरूरी नहीं कि विपक्ष जो कहे वो बिल्कुल सही हो और सत्ता पक्ष जो कहे सब गलत हो। यह भी समझना चाहिए कि विरोध में आवाज उठाने वाले सब शैतान नहीं होते और सत्तासीन सभी भगवान नहीं होते। यह कविता महज एक कविता नहीं बल्कि दास्ताने गोरखा है। जी हाँ, गोरखाओं की दास्तान। गोरखा एक ऐसी जाति जिसे जाना तो सभी ने पर समझा किसी ने भी नहीं। कविता का शीर्षक है, अरे सरकार है भाई ठीक ही कर रही होगी। अरे सरकार है भाई ठीक ही कर रही होगी। गोली चली कहाँ? यूनिवर्सिटी कैंपस में। सब राष्ट्र विरोधी वामपंथी होंगे, जनता को भड़काने वाले होंगे। डंडे बरसे कहाँ? बस अड्डे पर। सब लुच्चे लफंगे होंगे, दंगाई होंगे और क्या। क्या कहा? पुलिस ने घसीट घसीट कर पीटा। सबके सब समाज विरोधी होंगे, सरकार को बदनाम कराने वाले होंगे। अरे सरकार ऐसे थोड़ी ही चलाती है डंडे, थोड़ी ही बरसाती है गोलियां। समझदार होती है सरकार, जानकार होती है सरकार। समझदार होती है सरकार, जानकार होती है सरकार। अरे सरकार है भाई ठीक ही कर रही होगी। यह धरना वरना ठीक नहीं, दंगा करना ठीक नहीं। यह धरना वरना ठीक नहीं, दंगा करना ठीक नहीं। सरकार तो माई बाप है भाई, पंगा लेना ठीक नहीं। सन 1816 की बात है, कुछ इतिहास की बातें करें। सन 1816 की बात है, हम तो अपने आंगन में बस डोको बुन रहे थे। डोको नेपाली भाषा का शब्द है और उसका अर्थ है बांस की टोकरी, जो गोरखा लोग पीठ पर सामान ढोने के लिए प्रयोग में लाते हैं। सन 1816 की बात है, हम तो अपने आंगन में बस डोको बुन रहे थे। अचानक ऐलान हुआ, अब उत्तर की ओर नहीं दक्षिण की ओर मुहार करो, और अब नेपाली श्री पांच सरकार को नहीं बिलायती सरकार को जुहार करो। पूछा क्यों? पूछा क्यों? अरे सरकारों ने सुगौली में युद्ध संधि कर ली है, अब तुम नेपाली नागरिक नहीं बिलायती बन गए हो। अब क्या करें, अब क्या करें? बांसगारी तो रह गया नेपाल में और डोको के साथ हम रह गए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारत में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमने सोचा फूटी किस्मत पर हम क्यों रोले। हमने सोचा फूटी किस्मत पर हम क्यों रोले, बड़ों की बातों पर हम क्यों बोले। फिर हमने सोचा ताकतवर होती है सरकार, धमाकेदार होती है सरकार। अरे सरकार है भाई ठीक ही कर रही होगी। सन 1835 की बात है, ऐसा ही वाकया मेरे भाई के साथ भी हुआ। सिक्किम देश में रहता था वो, दार्जिलिंग की हसीन वादियों में। सन 1835 तक दार्जिलिंग सिक्किम देश का ही हिस्सा हुआ करता था। सन 1835 की बात है, ऐसा ही वाकया मेरे भाई के साथ भी हुआ। सिक्किम देश में रहता था वो, दार्जिलिंग की हसीन वादियों में। पहाड़ों पर चढ़ता था, खेती बाड़ी करता था। अचानक सरकारी सूचना मिली एक दिन, सिक्किम अब तुम्हारा देश नहीं रहा, दार्जिलिंग क्षेत्र को अंग्रेजों की झोली में डाला गया है, इसलिए तुम ब्रितानी भारत के अंग बन गए हो। सरकारों ने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, बीच के दलालों ने कुछ लिए कुछ दिए। महज कागजी टुकड़ों के कुछ लफ्जों से वे अपनी पहचान खो गए और दूसरे देश के नागरिक हो गए। न किसी ने कुछ बोला न कुछ पूछा। लाहौल बिला कुवत ताज्जुब,
फिर सोचा भाई ने देश बदल गया तो क्या हुआ। मैं तो वहीं खड़ा हूं जहां पहले से था। मैं तो किसी नया देश में गया ही नहीं, बल्कि देश ही मेरे यहां आया है। और फिर सोचा भाई ने, पढ़ी लिखी होती है सरकार, प्रबुद्ध होती है सरकार। अरे सरकार है भाई, ठीक ही कर रही होगी। तीसरा भाई था मेरा भूटान में, दूसरा ही मुल्क, दूसरा ही राजा, एक देश 18 दरवाजा। भारत से भूटान प्रवेश करने के लिए 18 द्वारे हैं, जिन्हें डुअर्स के नाम से जाना जाता है, द 18 डुअर्स। तीसरा भाई था मेरा भूटान में, दूसरा ही मुल्क, दूसरा ही राजा, एक देश 18 दरवाजा। उसका फलों का बागीचा था, जिसे अपने खून पसीने से सींचा था। वहां भी सन 1865 में बड़े लोगों के बीच संधि हुई, ऊपर ही ऊपर। और मेरा भाई जो छोटा आदमी था, उसी संधि का बंदी बना, और सुबह तक का भूटानी नागरिक मेरा भाई शाम को अंग्रेजों के अधीनस्थ भारत का गाहे बघाए बन गया प्रजा। इसे वरदान कहे या सजा? अरे वो तो हिला ही नहीं एक सूत अपनी जगह से, पर सरकारों ने अपनी मर्जी से उसका भविष्य निर्धारण कर दिया, उसका देश ही परिवर्तन कर दिया। सियासत के एक ही झटके से भाई के साथ ही भाई के बागीचे का भूटानी संतरे हठात इंडियन संतरे बन गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। इस भाई ने भी सोचा, मैं तो किसी नया देश में गया ही नहीं बल्कि देश ही मेरे यहां आया है। चलो देश से क्या लेना देना, मेरा तो जर जोरू जमी मेरे साथ ही है, माटी वही है, मलजल वही, फिर क्या भूटान क्या भारत। हमें तो उसी हालत से गुजरना है, परिश्रम भी उतना ही करना है। फिर सोचा भाई ने, प्रजा वत्सल होती है सरकार, कल्याणकारी होती है सरकार। अरे सरकार है भाई, ठीक ही कर रही होगी। इस तरह से सदियों से हम सब भाई यही हैं। आने वाले आते रहे और जाने वाले जाते रहे, आने वाले आते रहे, जाने वाले जाते रहे। शासक बदल गए, देश भी बदल गया, पर हम यहीं पड़े रहे, डट कर खड़े रहे मील की पत्थर की तरह। वहीं पर उसी जमीन पर, न इधर न उधर, न आगे न पीछे। राजा महाराजाओं का शासन देखा हमने, नवाब बादशाह और हुक्मरानों की सल्तनत भी देखी। गोरों को, कालों को, साम्यवादियों को, समाजवादियों को, पूंजीवाद के पुजारियों को, और गरीबों के मसीहा कहलाने वाले को, सबों को झेला हमने जी हुजूरी की। और इतिहास गवाह है हुक्मरानों के हम सदा भक्त रहे, जिसकी भी हो सरकार नतमस्तक रहे, इतिहास गवाह है। और हमेशा कहते रहे, अरे सरकार है भाई, ठीक ही कर रही होगी। फिर बरसों बाद एक दिन ऐसे जोरों की हवा चली बूढ़े संविधान के पेड़ से टूटकर गिरा एक पत्ता, मैंने उठाया। उसमें साफ शब्दों में लिखा था यह सूत्र, उसमें
साफ शब्दों में लिखा था यह सूत्र। सरकार क्या चाहती है वो गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र वो है जहां यह पूछा जाए कि जनता क्या चाहती है। सरकार क्या चाहती है वो गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र वो है जहां यह पूछा जाए कि जनता क्या चाहती है। तब जाकर बिजली की तरह कौंधा ये प्रश्न मेरे मन में, तब जाकर बिजली की तरह कौंधा ये प्रश्न मेरे मन में, क्या सरकार सचमुच ठीक ही कर रही थी? क्या सरकार सचमुच ठीक ही कर रही है?